ज्वालाजी में लगातार चोरियों की वारदातें सामने आ रही है, लेकिन चोरों को पकड़ने में ज्वालाजी की स्मार्ट पुलिस बेबस नजर आ रही है। ताजा मामला घूमर में पेश आया है, जहां चोरों ने एक दुकान व यहां साथ लगते कमरों के ताले तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि चोर यहां से कुछ भी लेकर नहीं गए हैं, लेकिन दुकान के ताले टूटने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और सारे लोग सहम उठे हैं। ज्वालाजी में लगातार चोरियों की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन चोरों को पकड़ने में ज्वालाजी की स्मार्ट पुलिस बेबस नजर आ रही है। ताजा मामला गुम्बर में पेश आया है, जहां चोरों ने एक दुकान व साथ लगते कमरों के ताले तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि चोर यहां से कुछ भी लेकर नहीं गए हैं, लेकिन दुकान के ताले टूटने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार गुम्बर स्थित एक सरकारी स्कूल के साथ लगती विपिन शर्मा की दुकान के तालों को चोरों ने तोड़ दिया है। हालांकि चोर दुकान के ताले तोड़ने के बाद दुकान के अंदर थोड़ा बहुत सामान को इधर उधर बिखेर कर चलते बने हैं। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा दुकान में चोरी करने का ये असफल प्रयास रहा है। बताया जा रहा है कि इस दुकान के साथ ही एक अन्य दुकान में भी कुछ दिहाड़ीदार मजदूर रहते हैं, जिनके दो मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल लेने के बाद चोर उसके अंदर रखी सिम कार्ड को वहीं छोड़कर फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात का पता सभी को सुबह के समय लगा। पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज शर्मा ने कहा कि चोरी की वारदात में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गुम्बर में चोरों द्वारा चोरी का सफल प्रयास किया गया है, ऐसा मामला पेश आया है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। क्या क्या इंतजाम, क्या क्या प्रशासन की तरफ से किया गया है? पिछले कुछ समय में ज्वालामुखी में दिन में भी चोरियां हुई हैं। इसके लिए मैंने अलग से सिविल में कुछ अपने लड़के लगाए हैं, दिन के समय भी गलियों में बाजार में गश्त कर रहे हैं। जैसे कोई हमें मिलेगा संदिग्ध व्यक्ति या मिल रहे हैं तो उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी कोई सुराग चला नहीं, कि जल्द ही भविष्य में, निकट भविष्य में इसका सुराग चल जाएगा, जल्द ही पता लगेगा इसके बारे में।